हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक ऐसा शेयर, एक सोता हुआ चीता जिसे कहते हैं ना, वो भागा है। और बात की जाए 5 दिन में 25% के मल्टीबैगर रिटर्न, 5 दिन कह ही आ सकते। 5 दिन में इतना अगर अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं तो उसे अच्छे खासे रिटर्न ही कहेंगे, वो मल्टीबैगर ही कहेंगे। अगर बात की जाए शेयर की, 2 महीने पहले वीडियो बनाया था, 7 महीने पहले वीडियो बनाया था और बताया था कि शेयर को नज़र रखो, लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से बहुत बेहतरीन शेयर है। ओके, उसके फंडामेंटल एनालिसिस भी किया था थोड़ा बहुत, उसके फाइनेंशियल्स भी देखे थे। दोबारा हम वही करने जा रहे हैं और दोबारा कहना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर उस शेयर को रखोगे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलते हुए नज़र आएंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, के कमेंट भी करें और दूसरी वीडियोस भी देखें। अभी एक वीडियो डाली है तो उसे भी आप देख लीजिएगा, काफ़ी बेहतरीन शेयर है और अच्छे खासे चांसेस है कि आपको अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न्स उसमें भी मिलते हुए नज़र आए। एज वेल एज इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है दो, एक अकाउंट ओपनिंग के लिए एंजल ब्रोकिंग में और एक श्री राम जी का मंदिर बन रहा है वहाँ पर डोनेशन के लिए, इनकी वेबसाइट पर ले जाके जाएगा और आप जो चाहे आप अपनी इच्छा अनुसार आप यहाँ पर दान कर सकते हैं। एज वेल एज बात की जाए जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं तो उसका नाम है ब्लैक रोज़। ओके, ब्लैक रोज़ इंडस्ट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं। वन डे में यहाँ पर कितना, लगभग 5%, अगर वैसे बात करें तो वहाँ से थोड़ा सा गिरता हुआ नज़र आया, वरना 7-8% के लगभग ये उछलता हुआ भी नज़र आया था। 5 डेज़ का यहाँ पर देखते हैं तो देखिए 132 रुपीज़ पे ये शेयर चल रहा था। उसके अलावा देखी जाए तो लगभग देखिए यहाँ पर 23-24% के रिटर्न आपको अच्छे खासे मिलते हुए निकल जा रहे हैं 5 साल में। तो ये शेयर अगर हम 6 महीने की बात करें तो 6 महीने ये कंसोलिडेशन जिसे कहते हैं ना, उस कंसोलिडेशन से बाहर निकला है, इसी कंसोलिडेशन में घूम रहा था। और मेरी भी जो बाइंग थी ना, मेरी भी बाइंग 144-145 रुपीज़ के आसपास थी और ये भाग ही नहीं रहा था। बट होल्ड इसे कहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का क्या फ़ायदा होता है कि इनके शेयर देखिए ये जो पीरियड्स होता है इसी में रहता है, बट जब भागता है ना तो इस तरीके से भागता है और अच्छे खासे रिटर्न आपको दे देता है, कोई इशू नहीं है। मैंने भी बहुत टाइम पहले ही ये खरीदा था, 7-8 महीने हो गए लगभग। ओके, तो उस टाइम भी देखिए ये जो पीरियड है ना, स्टार्टिंग में ही भाग लिया था ये शेयर, स्टार्टिंग में अच्छे खासे इससे मल्टीबैगर कितने लगभग बात किया 100% तक के रिटर्न इसने दे दिए थे। और फिर उसके बाद जो ये पीरियड था ना, 2 जून से लेके आज तक का लगभग लगभग कितने महीने हो गए, लगभग 8 से 9 महीने हो गए। 9 महीने इसने लोगों केवल सताया ही है। अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए केवल 17, यहाँ पर छोड़ देते 6% के माइनस के रिटर्न दिए, बट एक साथ ही यहाँ पर से आया और यहाँ पर कितने, 3 दिन 5 दिन में ही आपको 25% के रिटर्न देके चला गया। और क्या चाहिए, और साल भर का हमारा टारगेट कितना होता है, साल भर का हमारा टारगेट होता है कि ये शेयर केवल 30% कोई भी शेयर हमें रिटर्न दे दे, वी आर हैप्पी, क्योंकि वो ही हमारी सबसे बड़ी अप अचीवमेंट इसे ही कहते हैं। क्योंकि 30% के रिटर्न, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट, 20 साल, 100 करोड़ रुपये, ये एक स्टडी होती है। सॉरी, बात करें इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफ़ी बेहतरीन है। कभी पैसों का ये शेयर चलता था 50 पैसे, 30 पैसे, आज की डेट में ये अगर बात करें रिटर्न्स की तो लगभग 32,000% के रिटर्न हैं। तो इस शेयर में इन्वेस्ट वो ही कर सकता है जिसके पेशेंस लेवल अच्छा हो, जो कि इन्वेस्टर हो, रियल इन्वेस्टर हो। क्योंकि आपको जैसे मैंने दिखाया था ना कि इसने 9 महीने से कोई रिटर्न नहीं दिया, माइनस में रिटर्न दिया, बट एक साथ ही अच्छे खासे रिटर्न दिए कि 25% का प्रॉफिट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो देखिए बड़ी बड़ी गिरावट भी हुई है और कंसोलिडेशन फेज़ ही है। तो कंसोलिडेशन फेज़ क्या, कंसोलिडेशन फेज़ है आप देख सकते हो। और ये 32,000 के रिटर्न, 32,000% के रिटर्न उसे ही मिले जिसने ये कंसोलिडेशन फेज़ है, जिसने टॉलरेट किया है। ओके, और फिर यहाँ पर देख सकते हैं गिरावट, अच्छी खासी गिरावट, और स्मॉल कैप भी नहीं कहेंगे, माइक्रो कैप कंपनी है, इस वजह से यहाँ पर गिरावट भी होती है। बट कंपनी आप देख सकते हैं ब्लैक रोज इंडस्ट्री केवल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ही लिस्ट है। इससे पहले देखिए 2 बार वीडियो बनाई थी, अगर बात करें यहाँ पर ये 26 जुलाई को मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 128 रुपये में शेयर तब भी चल रहा था। इससे पहले देखिए 2 महीने पहले यहाँ वीडियो बनाई थी 5 जैन। ओके, यहाँ पर 143 पे ये चल रहा था, बट अचानक अगर आज की बात करें तो आज यहाँ पर पिछले 5 दिन से भागता हुआ नज़र आ रहा है और 164 रुपये पे आके
ठहर गया है, और आपको बताऊं कि आगे और भी भाग सकता है और अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। और इस अगर 5 साल रख लिया तो ये 1000 रुपीज़ तक शायद आपको जाता हुआ मिल सकता है, और आपके पैसों को लगभग 5 गुना करता हुआ, हाँ ईजिली मिल सकता है, 5 से 6 गुना, 7 गुना, और 5 से 6 गुने 7 गुने पैसे का मतलब आप समझ सकते हैं कितना पैसा होता है। अगर बात करें इस कंपनी की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कंपनी अगर बात करें तो वो बेहतरीन कंपनी है, केमिकल से रिलेटेड कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, परफॉर्मेंस केमिकल वाटर एंड वाटर वाटर सॉरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करती है, ओके एक्सपोर्ट्स करती है डेंटल एक्रालामाइड, ओके सेरामिक बिंडर, तो ये अच्छे खासे ये कंपनी बिजनेस करती हुई हमें नज़र आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके क्लाइंट्स, शायद इनके क्लाइंट्स हैं सुमोटो केमिकल्स जो कि अपना मार्केट में भी लिस्ट है, ओके तो काफ़ी सारी ये कंपनीज़ है SCI, ये यहाँ पर शायद देखिए सुमोटो केमिकल्स, ये सारी की सारी कंपनी के साथ शायद ये डील करता है, तो इसकी तरफ नज़रें बना सकते हैं। एज वेल एज बात की जाए ब्लैक रोज इंडस्ट्री, देखिए 790 करोड़ रुपीज़ का ये मार्केट कैप है, मतलब बहुत माइक्रो कैप कंपनी है। तो पहली डिस्क्लेमर तो यही है कि ये जो शेयर भागता है और गिरता है, ओके बड़ी तेज़ी से गिरता भी है, बड़ी तेज़ी से भागता भी है, और कंसोलिडेशन फेज हम देख देख चुके हैं, 9 महीने का कंसोलिडेशन फेज और एक साथ ही 25% के 5 दिन में रिटर्न, तो इसे ही हमें टॉलरेट करना है तभी आप इसमें इन्वेस्ट करें। और ROCE की बात करें तो 37% का है, जो काफ़ी बेहतरीन हमें नज़र आता है, ओके ROE की बात करें तो 37% सेम, जो कि काफ़ी बेहतरीन हमें नज़र आता है। कंपनी अपने रिड्यूस कर रही है डेट, सेल्स देख लीजिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 51 करोड़ रुपए के सेल्स, अभी देखिए दिसंबर में 74 करोड़ रुपए के सेल्स हुए जो कि अभी तक के सबसे हाईएस्ट है। अगर बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट देखिए 9 करोड़ रुपए का है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इसी बार का है। एज वेल एज बात की जाए सेल्स की तो सेल्स देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पिछले 12 महीने में यहाँ पर सेल्स अभी 234 करोड़ की होती हुई नज़र आई है। नेट प्रॉफिट 22 करोड़ रुपए का होता हुआ जो सभी ईयर्स में सबसे ज़्यादा है। रिजर्व्स की बात करें 68 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं। बोरिंग की बात करें बोरिंग देखिए कम करती हुई नज़र आ रही है, 22 करोड़ रुपये का बोरिंग है, कोई इशू नहीं है। इन्वेस्टमेंट कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर नहीं रखा। अगर बात की जाए यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट की तो 6 करोड़ रुपये का यहाँ पर कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट भी है, अच्छे खासे इनके पास 16 करोड़ रुपए के यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। ROE की बात करें 37 का है जो कि सबसे अभी तक का सबसे ज़्यादा है और अच्छी बात है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 75, देखिए प्रमोटर्स बेचना ही नहीं चाहते कि 75 जो बस एक बार कह दिया ना मार्केट में लिस्ट होने के लिए चाहिए जो 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 रूल है बस वही, उसके अलावा हम एक प्रमोटर कह रहे हैं कि हमें 1 रुपये का शेयर भी और नहीं बेचना। हम वी आर सेटिस्फाई विद दिस कंपनी। फॉरेन इन्वेस्टर्स 0.27% की हिस्सेदारी, और पब्लिक पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास कितने परसेंट की हिस्सेदारी है ये अगर घटा देते हैं, ओके तो पब्लिक के पास केवल 20% की हिस्सेदारी हमें नज़र आ रही है, बाकी सारी हिस्सेदारी HNIs DIS FIs तो थोड़े से ही हैं। बट अगर बात की जाए प्रमोटर्स, प्रमोटर सबसे मेन प्ले कर रहे हैं, 75 से 1% भी दूसरों को होल्डिंग देना ही नहीं चाहते, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। बट एक शर्त है कि इसमें आपको लॉन्ग टर्म पेशेंस रखना पड़ेगा, जिसने 9 महीने का पेशेंस रखा है वो आने वाले 10 साल भी पेशेंस रखेगा तो फिर ये शेयर आपको वही जो 34,000 के रिटर्न होते हैं ना आने वाले 10 साल में शायद 34,000% के रिटर्न आपको देखने को मिले। तो ऐसे रखिए पोर्टफोलियो में रखिए और इन्वेस्टर हो इन्वेस्टर की तरह फिर काम करिए। एज वेल एज बात की जाए एक और चीज़ की तो यहाँ पर देखिए जब भी इसमें इस तरीके की कैंडल्स बनती है, जिस तरीके के वॉल्यूम आते हैं उसके बाद ये शेयर गिरता हुआ हमें नज़र आता है। यहाँ पर अगर देखा था जैन में यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आया, फिर उसके बाद भागा, फिर कंसोलिडेट किया। एज वेल एज बात करें यहाँ पर ये एक बार हुआ था, ओके तो हर 3 महीने में रिजल्ट्स के टाइम पे आई थिंक ऐसा कुछ होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ओके सेम सेम थिंग्स हैपन ओवर हियर, ओके तो ये शेयर धीरे धीरे गिरता है फिर कंसोलिडेट में जाता है फिर भागता है, और इसी तरीके से यहाँ भी कर रहा है, ओके इस तरह लेवल पर पहुँच गया है, और पहुँचने के बाद अब ये यहाँ पर शायद फिर दोबारा वही चीज़ रुख अपना लिया तो गिरता हुआ नज़र आया। बट जिस तरीके के सेल्स हो रहे हैं, जिस तरीके के हमें कहते हैं कि जिस तरीके के सेल्स हो रहे हैं तो कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही बन सकते हैं। बाकी अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है कि यही अच्छे खासे रिटर्न अब भाई यहाँ मिल गए 25% के निकल जाना चाहता है और फिर नीचे आए तो फिर खरीदना चाहता है तो वो भी कर सकता है, नॉट एन इशू जिस तरीके से मुझे दिख रहा है, ओके फिर दोबारा ये शायद नीचे गिरता हुआ हमें कंसोलिडेट करते हुए नजर आए। तो बाकी आपकी इच्छा है, और कोई ये वीडियो केवल
नॉलेज के पर्पज़ से था जो मैंने आपको बताया है। बाकी कोई भी रिकमेंडेशन बाइंग की नहीं और सेलिंग की नहीं है, बाकी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ड्यू डिलीजेंस एज वेल एज फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए इससे रिलेटेड। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ओके बेल आइकन को हिट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइएगा ताकि इस तरीके के शेयर हम लाते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।